तो वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश, सालू वंश। कल हम लोगों ने संगम वंश पढ़ लिया था, तो सालू वंश के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, फिर मैपिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सालू वंश की स्थापना कब हुई? 1485 से 1405 तक, 20 वर्ष तक इस वंश ने शासन किया। इसका संस्थापक कौन था? नरसिंह वर्मन, नरसिंह सालू था। इसने कब स्थापना की थी सालू वंश की? 1485 में, ठीक है। तो अगला पॉइंट देखते हैं। अपनी अल्प आयस्क पुत्र की संरक्षण के रूप में नरसा को नियुक्त किया था मंत्री के, मतलब उसके पुत्र छोटा था तो उसके पुत्र के संरक्षण के रूप में नरसा को नियुक्त किया था, ठीक है। नरसा ने अवसर पाकर संपूर्ण राज्य का सत्ता अपने हाथों में ले लिया और विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक शासक बन गया, ठीक है। ठीक है, इमाड़ी नरसन जो सालू नरसन का पुत्र कहलाता था, जो मैंने आपको बताया था संगम वंश में, ठीक है, संगम वंश की स्टार्टिंग में, ठीक है, के अयस्क होने के कारण नरसा ने उसे पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया। किस किले में? पेनुकोंडा के किले में उसको नजरबंद कर दिया, मतलब उसको रख दिया, कैदी के रूप में रख दिया। देखिए, उसी के शासनकाल में मंत्री था, उसी समय इसको इमाड़ी नरसिंह को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देते हैं। नरसा नायक के चोल पांड्य और चेर तीनों शासक, तीनों वो हैं राजे शासक हैं ये चोल पांड्य और चेर, राज्यों पर क्रमशः आक्रमण किया और इन्हें तीनों को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। 1505 में नरसा नायक ने अपने पुत्र वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या करके, इमाड़ी नरसिंह जो समय जेल में बंद था, पुत्र ने उसके नरसा नायक के पुत्र ने वीर नरसिंह ने हत्या कर दी और करके स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, ठीक है। स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य का तृतीय या तुलु वंश की स्थापना शुरू की, स्थापना की। तृतीय वंश जो था तुलु वंश था, ठीक है। तो आइए मैप के बारे में देख लेते हैं हम लोग। इस वंश में इतना ही है, तो ये देख लेते हैं हम लोग विजयनगर साम्राज्य का मैप, ठीक है। तो ये विजयनगर हो गया और ये बहमनी शासक हो गया, यहाँ के बहमनी शासन कर रहा था, चोर चेर पांड्य शासन कर रहे थे, पांड्य यहाँ कर रहा था, चेर यहाँ, चोर यहाँ, ठीक है, ऐसे करके शासन कर रहे थे सब लोग क्रम से। तलीकोटा यहाँ हो गया, गोंडा यहाँ हो गया, पेनुकोंडा यहाँ हो गया, देखिए पेनुकोंडा का भी चर्चा हुई है, विजयनगर हम्पी कहलाती थी, चंद्रगिरी हो गई, तंजौर हो गया, मदुरा हो गया, कालीकट का ये इलाका कहलाता था, ठीक है, नागपट्टनम ये हो गया आपका, तो गोवा यहाँ पर था उस समय। गोवा किन के शासनकाल में था? बहमनियों के, उस समय चल रहा था, लेकिन वहाँ कौन थे यहाँ पर शासन कर रहे थे? याद नहीं आ रहा मुझे नाम, क्या कहते हैं वो, अरे रुकिए मैं बताऊंगा, याद नहीं आ रहा मुझे। तो इतना ही देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य का मैप है, आप लोग देखिए, इतना ही। यहाँ पर नीचे सबसे टॉप नीचे में है, नीचे से सबसे टॉप में, तो ये आपका पूरा विजयनगर हो गया यहाँ। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब चैनल माई।